देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान कांग्रेस में लगातार कलह देखने को मिल रही है। वजह है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। सचिन पायलट लगातार बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ। जब से उन्होंने अनशन किया है तब से अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में ज्यादा जो है कोई भी बयानबाजी करने से बच रहे हैं। ना ही सचिन पायलट के लिए कोई भी बयानबाजी की जा रही है और ना ही अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में राजस्थान में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। केवल 5 महीने का समय इसमें बचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कोई बड़ा कदम जल्दी उठा सकते हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर सचिन पायलट अगर अपनी पार्टी बनाने की बात कहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अपनी पार्टी बना सकते हैं सचिन पायलट, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती है, इसलिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, ये भी बात लगातार कही जा रही है। लेकिन अगर एक और विकल्प जो सचिन पायलट के पास नजर आता है वो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। हालांकि इसके जो जो चांसेस है वो काफी कम नजर आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार सचिन पायलट आवाज उठाते रहे हैं और इस बार भी लगातार वो जैसे कि वसुंधरा राजे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो उन्होंने अनशन किया था उन्होंने यही बात कही थी कि वसुंधरा राजे के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी आवाज अशोक गहलोत ने नहीं उठाई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसी वजह से वो अनशन कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सचिन पायलट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती हुई नजर आई है। अमित शाह का जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं उनके साथ कांग्रेस पार्टी में गलत हो रहा है। तो उनके इस बयान को देखा इस तरीके से जा रहा है कि सचिन पायलट को ऑफर देने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी में उनको शामिल कराया जा सके ताकि आने वाले चुनाव में राजस्थान में उनको बड़ा फायदा मिल सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को इस वक्त खोना नहीं चाहती है। क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान सामने आएगा, क्या कुछ फैसले उनकी तरफ से लिए जाएंगे, ये आने वाले समय में जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट अगर दिल्ली पहुंचते हैं, अगर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अगर ये बात सच हो जाती है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए एक बड़ा फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBN9।